हाय गाइस, हाय दोस्तों, नमस्कार। हम आज आप लोगों को दिखाएंगे बीज से कैसे लौंग उगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो मैं खड़ा हूँ, ये लौंग के पेड़ के बगल में खड़ा हूँ। तो इसमें अभी फल आया है, लौंग भी उगा था, कुछ लौंग हमने तोड़ा है और कुछ रख दिया था बीज के लिए। तो आज दिखाएंगे आप लोगों को जो बीज कहाँ है और कैसे इसको तोड़ा जा सकता है और बाद में इसको कैसे उगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लौंग का पेड़ है मेरा घर में। तो कुछ फल हमने पके हुए फल कुछ हमने तोड़ लिए थे। ये बहुत रेयर होता है, इसलिए कुछ हमने छोड़ दिया था, कच्चा था, अभी थोड़ा पक गया है दो एक ठो। तो हम निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं कहाँ मिलता है, किस तरह होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक फल पका हुआ है, इस पके हुए फल के अंदर बीज है। हम दिखा रहे हैं, ज़्यादा पके हुए फल नहीं है, फिर इसको हमने अभी तोड़ लेते हैं। और दूसरा भी है, तो दोस्तों देख सकते हैं यह दो एक ठो फल मैच्योर्ड हुआ है, इसको भी हम तोड़ सकते हैं। इस तरह का ये दो मैच्योर्ड हुआ है, ये थोड़ा फट जाता है ज़्यादा पकने से, तो तभी अच्छा होता है। तो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये होता है लौंग का बीज। आप देख सकते हैं इस तरह लगा हुआ है, इस तरह इस पेड़ में लगा हुआ है। तो यही फल जब पक जाएंगे तो इसमें से हम फल निकालेंगे, मतलब बीज निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं, मेरा छोटा सा ही है, लेकिन ये जो है ना, ये ग्राफ्टिंग था, तो इसलिए बहुत जल्दी इसमें फल फूल आ गया है और लौंग भी आ गया है। तो बीज कुछ हमने तोड़ लिया है, यह हाथ में देख सकते हैं, इसके अंदर ही बीज होगा। यहाँ इस क्लाइमेट में कटिंग नहीं होता है, फिर भी हमने कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होते हैं। तो दो टहनी हमने तोड़ लिए हैं, उसके कटिंग भी हम दिखाएंगे करके। ये देख सकते हैं, दो टहनी हमने तोड़ लिए हैं कटिंग के लिए, देखते क्या होते हैं। इसका खुशबू बहुत अच्छा है, इस पेड़ को अगर हिलाने से ही इसका खुशबू निकल आता है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया खुशबू है इसका। ठीक है, आप लोगों को इसका जो गुटली जो हमने तोड़े हैं, फल जो तोड़े हैं, सब बीज निकाल के दिखाएंगे, बाद में इसको ग्रो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने रखे हुए गुटली, सब गुटली के अंदर ही बीज होता है। तो पास में बीज भी हमने खोल के रखा था, अभी हम दो चार अभी बाकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो देखते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जो लोग दिखाते हैं कि जो बाज़ार से ख़रीदा हुआ लौंग होता है तो उसमें से ग्रो करा कर दिखाता है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि वो बॉयल है लौंग, और ये कली है, फूल की कली होता है लौंग जो होता है, तो उसमें से कभी मतलब ग्रो नहीं होता है, क्योंकि ये बॉयल होता है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं, ये गुटली है, मतलब बीज है। तो बीज को हमने निकाल लिए हैं, अभी एक काम करेंगे, एक तो टाप ले लेंगे। तो टाप में आप लोग एक काम कीजिएगा, जो नदी का जो रेत होता है, मतलब सेंट होता है, तो रेत 30% और 70% आप लोग मिट्टी, जो गार्डन सॉइल होता है, मतलब घर का जो मिट्टी होता है, वो मिक्स कर लीजिएगा। तो इसमें कोई खाद का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन फंगीसाइड देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो जो बीज है, बीज सड़ जाता है फंगस लग के। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक एक करके आप हाफ इंच गुटली को या बीज को दबा दीजिएगा मिट्टी के अंदर। ये जो हम देख रहे हैं, अभी इसको दबा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो बीज है बीज को। तो अभी एक काम करेंगे, लगभग हो चुका है, तो जितना हमने दबाया है लगभग हाफ इंच होगा। तो अभी थोड़ा पतली करके इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल दिए हैं, अभी तो हो चुका है मिट्टी। तो अभी इसको थोड़ा
पानी दे देंगे। ज़्यादा पानी देने से, ज़्यादा गीला होने से भी सड़ जाता है। अब ये इसको हल्का सा पानी साइड में से दे देंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा देने से गीला ज़्यादा हो जाएगा और जो बीज है वो सड़ सकता है। और इसमें एक काम करेंगे, थोड़ा सा फंगीसाइड डाल देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कटिंग हमने लाया था, इसको भी हमने कोशिश करते हैं थोड़ा पानी उसको अच्छी तरह से, इसको हमने कटिंग को सजा लिया है, मतलब काट लिया है, और इसको भी थोड़ा रोटिंग हार्मोन दे दिए है जो नीचे का हिस्सा है, और एक वो पॉलीथीन का, पॉलीथीन में थोड़ा मिट्टी और सेंट हमने भर के रखा है। तो एक डंठा से इसको हमने थोड़ा होल कर दिया है, और होल करके ये जो कटिंग है इसको हमने दे दिया है थोड़ा रोटिंग हार्मोन डाल के। अभी इसको एक पॉलीथीन से ढक लेंगे, नहीं तो थोड़ा हवा के कारण ये जो कटिंग्स है, कटिंग्स का मॉइस्चर सूख जाता है, इसके कारण ग्रो नहीं हो पाता है, मतलब वर्ड्स नहीं निकालेगा। अगर इसको ढक देंगे कुछ दिन बाद हो सकता है वर्ड्स निकल आएगा और पत्ता निकल आएगा। ठीक है, अभी इसको ढक देते हैं अच्छी तरह से और बांध देंगे पॉलीथीन से। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो मेरी ऐसा वीडियो जो आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो ऐसा वीडियो हम लाते रहेंगे, फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।